हेलो नमस्कार, प्रेम कुमार चरण में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर बोनस अंक देने की घोषणा कर दी गई है सरकार के द्वारा। इसमें बोला गया शिक्षक भर्ती में 2 अंक दिए जाएंगे प्रति वर्ष के हिसाब से, अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे अतिथि शिक्षकों को शिक्षक भर्ती में। वर्ग 1, 2 और 3 में चयन परीक्षा हो रही है उसमें अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने की घोषणा कर दी है सरकार ने। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जिसे मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपडेट पा लें, ये छत्तीसगढ़ की खबर है जिसमें सरकार ने घोषणा कर दी है। लेकिन एक मध्य प्रदेश सरकार है जिसमें ना अतिथि शिक्षकों को 12 माह का सेवा काल दिया जा रहा है, ना पद स्थायी किया जा रहा है, ना बोनस अंक दिए जा रहे हैं। आरक्षण दिया जाता है 25% वो भी। तो अतिथि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने भी मांग की है कि इनको भी अंक दिए जाएँ शिक्षक परीक्षा में, ठीक है। जबकि पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़, लेकिन वहाँ पे अलग से प्रावधान है अतिथि शिक्षकों के लिए। लेकिन एक मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य जहाँ पे अतिथि शिक्षकों के लिए कोई भी योजना नहीं है स्थायी करने के लिए, ना बोनस अंक देने के लिए, ठीक है। वीडियो बने हैं, वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। तो शिक्षकों की भर्ती में जो अतिथि शिक्षक हैं उनको बोनस अंक दिए जाएंगे। उन्हें हर साल के लिए बोनस अंक के तौर पर 2 और अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में 12,489 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जा रही है और भर्ती प्रक्रिया में जो अतिथि शिक्षक शामिल होते हैं उनके लिए राह थोड़ी आसान और हो जाएगी, क्योंकि अब अतिथि शिक्षकों को 2 से लेकर अधिकतम 10 तक बोनस अंक दिए जाएंगे। तो अगर आम लोग और अतिथि शिक्षक दोनों ही इस तरह के किसी प्रवेश में शामिल होते हैं तो उसमें अतिथि शिक्षकों को थोड़ा फायदा मिलेगा, अतिथि शिक्षकों के काम का प्रभाव उसमें पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम 2 से लेकर अधिकतम 10 अंक तक जो अतिथि शिक्षक हैं उनको बोनस अंक के तौर पर दिया जा सकता है, क्योंकि वो वैसे ही सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं लेकिन अतिथि शिक्षकों के रूप में दे रहे हैं, इसलिए सरकार ने फैसला लिया है। शिक्षक भर्ती में ये एक बड़ा फैसला, अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक दिए जाएंगे। भर्ती में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का फैसला सरकार ने किया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस बात के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। 12,489 पदों पर छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। उन्हें हर साल के लिए बोनस अंक के तौर पर 2 और अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश में 12,489 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, बोनस अंक दिए जाएंगे शिक्षक भर्ती में। देखिए, छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में भर्ती प्रक्रिया जारी है और इसी के साथ ही शिक्षा कर्मियों की भर्ती भी लगातार की जा रही है। चूंकि जिस तरह से भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है, लगभग 12,489 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होनी है और इसी को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है और इस पत्र के माध्यम से उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि जो अतिथि शिक्षक हैं उनको बेहतर व्यवस्था की जाए, क्योंकि लंबे समय से अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं और चूंकि अब भर्ती प्रक्रिया निकली हुई है तो उसमें जो अतिथि शिक्षक आवेदन करेंगे उन अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने को लेकर प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। जो अतिथि शिक्षक 24 जून 2019 से जारी पत्र के माध्यम से जिनको व्यवस्था दी गई है उन तमाम जो अतिथि शिक्षक है उन्हें प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही पत्र में कहा गया है कि प्रति वर्ष 2 अंक बोनस के रूप में दिए जाएंगे और वो अंक जो है वो अधिकतम 10 अंक तक होंगे। तो अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि लंबे समय से शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, बतौर अतिथि शिक्षक स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब चूंकि भर्ती प्रक्रिया निकली हुई है तो बोनस अंक के माध्यम से जो लोक शिक्षण संचालनालय है वो अतिथि शिक्षकों को मौका देने की कोशिश जो है वो कर रही है। जी बिल्कुल, और इसका कैसा प्रभाव पड़ता है और अतिथि शिक्षक कैसा रुख अपनाते हैं इसे लेकर ये जरूर देखना होगा। शिखर, आप बने।